हेलो एवरीवन वन सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे सो हम करें लास्ट मिनट प्रेपरेशन फॉर अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स एंड नॉर्सेट एग्जाम सो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड ये वीडियो होगी पार्ट वन एंड पार्ट टू में सो so, जितने भी गोल्डन पॉइंटर्स हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज पॉइंटर्स हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगी इन वीडियोज़ में सो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन साइकेट्रिक नर्सिंग दैट इज ई हेलुसिनेशन सो वॉट इज हेलुसिनेशन इट इज़ ए परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई कि एक्चुअल में वो स्टिमुलाई एनवायरमेंट में नहीं है बट पेशेंट को परसीव हो रहा है कोई ऐसी आवाज़ें हैं जो एक्चुअल में सराउंडिंग्स में नहीं है बट पेशेंट के कानों में आवाज़ें जा रही हैं जब पेशेंट को कुछ ऐसा दिख रहा है जो एक्चुअली पेशेंट के सराउंडिंग में नहीं है सो डैट इज़ द हेल्यूसिनेशन सो इट इज ए परसेप्शन विदाउट एनी स्टेमुलाय सो नेक्स्ट इज द इल्यूजन सो वट इज एल्यूजन इट इज द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेमुलाय कि एन्वायरमेंट में स्टिमुलाय तो है बट पेशेंट उसका मिस इंटरप्रेट कर रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल के थोड़ा सा डार्क एरिया है एंड वहाँ पे कोई रोप पड़ी हुई है नीचे एंड पेशेंट को लगा कि वो स्नेक है सो नेक्स्ट इज द डिल्यूजन सो जो इल्यूजन था एंड हेलुसिनेशन था इट इज़ रिलेटेड टू द परसेप्शन एंड जो डिल्यूजन है इट इज़ रिलेटेड टू द थाट्स ठीक है सो थाट प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डिल्यूजन होगी वो सो इट इज़ द फॉल्स फिक्सड एंड अनशेकेबल बिलीफ हेल्ड टू बी ट्रू इवन वेन देयर इज द एविडेंस टू द कॉन्ट्रैली सो पेशेंट ने किसी बिलीव को ट्र्यू मान लिया सो so, उसकी अगेंस्ट आप उसको कोई भी एविडेंस ला के दे दो बट पेशेंट के लिए वो बिलीव व थॉट सही रहेगा सो डैट इज द डिलीजन सो बहुत टाइप्स होते हैं डिलीजनस के लाइक डिलीजन ऑफ रेफरेंस डिलीजन ऑफ इन्फिडेलिटी डिलीजन ऑफ गिल्ट एंड सिंह डिलीजन ऑफ हेल्पलेसनेस एंड नेहलिस्टिक डिलीजन सो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके सो नेक्स्ट इज साइकोसिस सो साइकोसिस इज अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी सो इसीलिए जो साइकोसिस होता है वो ज़्यादा सीवियर माना जाता है बिकॉज इन दिस देर इज अ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी सो जो डिल्यूजनस एंड हेलुसिनेशन हैं ये साइकोसिस में देखने में मिलती हैं सो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स आर प्रेजेंट इन साइकोसिस एंड इन दिस देर इज अ लैक ऑफ एनसाइट एंड एग्जाम्पल क्या है साइकोसिस की स्किजोफ्रेनिया। सो स्कीोफ्रेनियाज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स आर टाइप्स ऑफ द साइकोसिस ठीक है सो so, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोसिस सो न्यूरोसिस क्या होता है इट इज अ माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर साइकोसिस सिवियर है न्यूरोसिस माइल्ड है सो दिस यूजली अक्कर फ्राम दिस माल अडेप्टन एंड अनजाइटी सो जब हम बोलते हैं कि स्ट्रेस है मेरे को ठीक है मेरे को स्ट्रेस हो रहा है जहाँ एन्जाइटी होती है एग्जाम में जाने से पहले जहाँ कुछ एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे न्यूरोसिस होती हैं एंड सब में होता है न्यूरोसिस ठीक है हम सबको स्ट्रेस भी कभी ना कभी होता है एनजाइटी भी हमको कभी कभी हो जाती है एंड एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं अलॉन्ग विद द डिवेलपमेंटल स्टेजेस सो न्यूरोसिस इज अ माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर सो इसमें इनसाइट होती है पेशेंट को ठीक है उसको पता होता है कि क्या कारण है क्यों हो रहा है एंड वो कोपिंग के लिए वो हेल्प के लिए फिर काउंसलिंग भी लेता है सो नेक्स्ट इज हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन आर नॉट प्रेजेंट इन साइकोसिस सो इसके एग्जाम्पल्स हैं एन्जाइटी डिसऑर्डर भी इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेस भी इसका एग्जाम्पल है ओ सी डी ऑबसेसिव कम्पल्सिव डिसऑर्डर इज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर देन सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एंड पी टी एस डी पोस्टमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूरोसिस सो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल कितना होता है सो so बताने की जरूरत ही नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सो नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल है जीरो पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट टू मिलियो कीविलन पर लीटर सो लिथियम टॉक्सिसिटी कैन हैपन वेन दिस लेवल रीचेज दन पॉइंट फाइव मिलियो क्यूविलन पर लीटर और हायर ठीक है सो नेक्स्ट इज सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी सो सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी कब होती है एट दी लेवल ऑफ टू मिलियो कीविलन पर लीटर एंड अव सो दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है एंड जो सिम्टम्स होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी के वो क्या हो सकते हैं डायरिया वॉमिटिंग स्टमक पेन फटीक ट्रेमर अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स देन मसल वीकनेस एंड ड्राउजीनेस एंड अभी हमने देखा कि सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी होती है जब लेवल टू मिलियन क्यूविल पर लीटर से ज़्यादा हो जाते हैं एंड इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे हाइपर रिफ्लेक्सिया सीजर्स लर्ड स्पीच किडनी फेलियर रैपिड हार्ट बीट हाइपरथर्मिया अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट्स लो ब्लड प्रेशर कॉमा डिलीरियम एंड डेथ सो ऑल दीज आर दिमटम्स ऑफ दी सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी सो लिथियम टॉक्सिसिटी कैन अकर व्हेन सोडियम एंड फ्लोइड इनटेक आर इनसफिशिएंट ठीक है जब सोडियम इनटेक कम हो रहा है एंड फ्लोइड इनटेक भी सफिशिएंट नहीं है देन दीज टू कंडीशंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लिथियम रिटेंशन एंड लिथियम टॉक्सिसिटी जब भी पेशेंट लिथियम थेरेपी पे होता है सो so आपको इंस्ट्रक्ट करना होता है टू टेक द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द सोडियम एंड टू इंक्रीज इन टेक ऑफ द वाटर, ठीक है सो नेक्स्ट so, so, है डाइसल्फिराम, सो डाइसल्फिराम सल्फिरम इज एंटेब्यूज ड्रग इट इज एडमिनिस्टर्ड ऑरेली एज अ वर्जन थेरेपी टू ट्रीट द एल्कोहलिज्मिज्म का वर्जन ट्रीटमेंट है विद डाइसल्फिरा सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डाई सेल्फिराम इथानोल रिएक्शन डी ई आर के रिएक्शन पे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं सो डी ई आर के सिम्टम्स क्या होते हैं टेकीकाडिया हाइपोटेंशन हेड एक नोजिया वॉमिटिंग फ्लशिंग चेस्ट पेन एंड ब्लर्ड विजन सो so, ऑल दीज आर द साइंस ऑफ डाइसेल्फिराम इथानोल रिएक्शन सो नेक्स्ट so, हम देखते हैं बाईपोलर वन डिसऑर्डर एंड बाईपोलर टू डिसऑर्डर क्या होता है सो बाईपोलर वन क्या है इन दिस देर विल द पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड सीवियर मेनिया सो डिप्रेशन होगा अलॉन्ग विद द सिवियर मीनिया सो बाईपोलर टू क्या होता है इसमें डिप्रेशन होगा बट मीनिया नहीं होगा इसमें हाइपोमेनिया होगा ठीक है सो मेन डिफरेंस क्या है बायपोलर वन एंड टू में डिप्रेशन तो दोनों में ही हो रहा है ठीक है पीरियड ऑफ डिप्रेशन दोनों में है बाइपोलर वन में मीनिया सीवियर है बट बाईपोलर टू में हाइपोमेनिया है ठीक है सो नेक्स्ट इज द साइक्लोथाइमिया सो वट इज साइक्लोथाइमिया इट इज द पीरियडस ऑफ द हाइपोमीनिया एंड माइल्ड डिप्रेशन सो हाइपोमीनिया एंड माइल्ड डिप्रेशन के जब साइकल्स रिपीट होते हैं डेट इज दाइक्लोथाइमिया सो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर एज ऑफ द स्कीफ्रेनिया सो फोर एज क्या है इफ़ेक्ट ऑटिज्म एम्बीवेलेंस एंड लूजनिंग ऑफ द एसोसिएशन सो नेक्स्ट आता पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्कीजोफेनिया पॉजिटिव हम क्यों बोलते हैं बिकॉज इन दिस देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द सम अनयूजल बिहेवियर सो पॉजिटिव सिम्टम्स में दो आते हैं एक आता है डिल्यूजन एंड सेकेंड है हेलुसिनेशन नेक्स्ट है नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया सो नेगेटिव सिम्टम्स हम इनको क्यों बोलते हैं बिकॉज इन दिस देर इज अ एबसेंस ऑफ द बिहेवियर विच इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड ठीक है सो so इसमें आती है एवलीशन है एनहाइटोनिया एसोशियलिटी एलोगिया एंड एपैथी सो so, आगे हम देखते हैं वन बाई वन के सारी टर्म्स का मीनिंग क्या है सो पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स आएंगे एंड नेगेटिव सिम्टम्स में ये सारे आएंगे सो so, नेक्स्ट हम देखते हैं इनके मीनिंग सो so, एवोलियशन क्या है सो एवोलियेशन इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ मोटिवेशन सो मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए एंड उसको कंप्लीट करने के लिए सो इट इज़ ए लैक ऑफ मोटिवेशन और एबिलिटी टू डू टास्क और एक्टिविटीज़ डैट हैव एन एंड गोल सो कोई काम करने में मोटिवेशन ही नहीं मिल रही डैट इज़ दी एवोल्यूशन सो नेक्स्ट इज एनहाइडोनिया सो एनहाइडोनिया क्या है इट इज़ अ कंडीशन करैक्टराइज वाई इन एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्ट्स कि किसी भी चीज़ में खुशी नहीं महसूस हो रही डैट इज़ दी एनहाइड्रोनिया ठीक है कि मन बहुत उदास रहता है सो नेक्स्ट इज ए सोशालिटी तो ए सोशलिटी क्या है दिस रेफर्स टू पुअर सोशल इंटरेक्शन सो नेम से ही क्लियर है ए का मतलब होता है एबसेंस एंड सोशलिटी का मतलब है सोशल इंटरेक्शन सो पर्सन की सोशल इंटरेक्शन नहीं बना पा रहा है एंड वो प्रेफर कर रहा है एक्टिविटीज़ जिनमें दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो ठीक है सो नेक्स्ट देखते हैं एपैथी सो एपैथी इज़ अ लैक ऑफ फीलिंग और इमोशंस ठीक है सो नेक्स्ट इज एलोगिया सो एलोगिया इज़ अ पॉवर्टी ऑफ स्पीच नेक्स्ट इज मेलिंगरिंग। सो मेलिंगरिंग इज ए कंडीशन इन विच द पर्सन डेलीबरेटलीस टू हैव इलनेस कि एक्चुअली कोई इलनेस नहीं है बट जैसे आप कह सकते हो कि कोई ड्रामा कर रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये वाला काम नहीं कर सकती हूँ सो बेसिकली दिस इज टू टेक दशन ऑफ द अदर्स और टू अवॉइड सम काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दिस इज द मे सो नेक्स्ट इज कैथार्सिस सो वट इज कैथारिसिस इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस ठीक है सो नेक्स्ट इज सेटिंग द लिमिट्स इज़ अ मोस्ट अफेक्टिव वे टू कंट्रोल द मेनुपुलेटिव बिहेवियर सो नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अ सेफ एनवायरमेंट इज़ अ प्रेयोरिटी इन केयर ऑफ पेशेंट विद अल्ज़ैमर डिजीज सो अल्ज़ैमर डिजीज में सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना इज इम्पॉर्टेंट प्रेयोरिटी सो नेक्स्ट अब हम फोबिया देखते हैं कुछ सो स्पेसिफिक फोबियाज हैं एक्रोफोबिया सो इट इज़ अ फीयर ऑफ हाइट एगोरा फोबिया इज़ अ फीयर ऑफ ओपन स्पेसिस क्लॉस्ट्रोफोबिया इज अ फीयर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस Then pyrophobia is a fear of fire, xenophobia is a fear of strangers. So next. Hain. So next is a social phobia. So social phobia is a fear of situations in which one might we feel embarrassed or criticized. So this is all about the phobia. So we have medicines related, psychopharmacy related important pointers. So first is EPS, extraperial symptoms. So these are the side effect of typical antipsychotics like हेलोपेरिटोल एंड कौन से कौन से साइड इफेक्ट्स आते हैं ईपीएस में एकाथीजिया एक्यूट डिस्टोनिया सूडो पार्किसनिजम न्यूरोलेप्टिक मेलिगन सिंड्रोम एंड टार्डिव डिस्काइनीजिया सो इन पे मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं एंटीसाइकोटिक एंटी एंटीडिप्रेशन सारे ड्रग्स पे आप एक बार क्वेश्चन चेक कर सकते हो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं सो नेक्स्ट इज अ ट्राई हैग्जी फेनेडल देन बेंजोट्रोफिन एंड डाइफनाइल हाइड्रामाइन सो दीज आर थ्री ड्रग्स विच आर यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सट्रापेमेडियल सिम्टम्स और टू ट्रीट द एक्सट्रापेमेडियल सिम्टम्स सो नेक्स्ट इज अ एंटीडॉट एंटीडॉट ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज अ फ्लूमा जेनल सो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बेंजोडाइजेपिन का एंटीडॉट क्या है सो आंसर इज फ्लूमा जेनल सो नेक्स्ट इज मिथाइल फेनिडेट सो मिथाइल फेनिडेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग देंशन डेफिशियट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस सो नेक्स्ट इज अ क्लोर डाइजिपोक्साइड्रियम सो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग दी एल्कोहल विदड्रॉल सिमटम सो नेक्स्ट इज एंटीडिप्रेसेंट मेडिकेशन टेक्स एवरल वीक्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट सो जो एंटीडिप्रेसेंट होते हैं एटलीस्ट ये टू वीक्स तो लेते हैं टू प्रोड्यूस दैराप्यूटिक इफेक्ट सो आपको पेशेंट को बताना है कि मिनिमम फोर्टीन फिफ्टीन डेज लगेंगे ड्रग को अपना इफेक्ट दिखाने के लिए सो so नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट मेडिकेशन लेना छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि कोई असर तो हो नहीं रहा बट दिस टेक एटलीस्ट टू वीक्स टू शो द इफेक्ट सो नेक्स्ट इज आर कंज्यूमिंग टायराम इन कॉन्टेनिंग फूड सो कंज्यूमिंग टायराम इन कॉन्टेनिंग फूड वाइल टेकिंग अ माउन हैबिटर्स कैन इनक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपर टेंशन सो जितने भी टायरामिन रिच फूड होते हैं लाइक एज्ड चीज एवोकाडो एवोकाडोरिजन बियर रेड वाइन ये सारे अवॉइड करने होते हैं वेन द पेशेंट इज ऑन माउन हैबिटर्स सो नेक्स्ट पॉइंटर इज क्लोजापिन सो क्लोजा पिन कैरी द रिस्क ऑफ एग्रेनोलोसाइटॉसिस इसलिए आपको पेशेंट का डब्ल्यू बी सी काउंट रेगुलरली मोनिटर करना होता है सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कार्सक ऑफ साइन क्या होता है सो कार्स ऑफ सिंड्रोम इज करेक्टराइज बाई कन्फेबुलेशन मेमरी लॉस गेट अब नॉर्मैलिटीज डेट आर ऑफ वन इर रिवर्सिबल सो इिवर्सिबल होता है कार्सक ऑफ सिंड्रोम के साइंस एंड दिस रिजल्ट इफ वर्निक एनसेफ्लोपैथी इज नॉट ट्रीटन एडुकेटली ठीक है सो वॉट इज़ वर्निक एनसेफ्लोपैथी इट इज़ करेक्टराइज बाय अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट विद क्लिनिकल फीचर डेट आर ऑफन रिवर्सिबल सो वर्निक एनसेफ्लोपैथी तो रिवर्सिबल है बट अगर ये ट्रीट नहीं करते हो तो पेशेंट को कार्सकोव सिंड्रोम हो सकता है जो कि इ रिवर्सिबल है फिर so सो जो कार्सक सिंड्रोम है इट इज़ अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ द वर्निक एनसेफ्लोपैथी एंड इट दिस इज मार्क्ड बाई हेलुसिनेशन कन्फेबुलेशन अमनेजिया एंड डिस्टर्बेंसेज ऑफ ऑरिएटेशन एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हो आप थायामिन देते हो ठीक है सो नेक्स्ट आर दी फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ सो फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या है अकॉर्डिंग टू गुबला रोज थ्यूरी सो दीज आर दी डिनाइल एंगर बार्गेनिंग डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंटर इज़ रिलेटेड टू द फ्रोइ साइकोनालिटिक थ्योरी सो इसने बताया था कि पर्सनैलिटी के थ्री पार्ट्स होते हैं इड होता है ईगो होता है एंड सुपर ईगो होता है सो so, आपको पूछा जाता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल सो इट इज़ बेस्ड ऑन दी प्लेयर प्रिंसिपल ईगो इज बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल एंड सुपर ईगो इज बेस्ड ऑन दी मॉरेलीटी प्रिंसिपल ठीक है जी सो so, नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ द साइको एनालिटिक थ्यूरी सो साइको एनालिटिक थ्योरी को हम साइकोसेक्शुअल थ्योरी भी बोलते हैं एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रोट एंड इसकी फाइव स्टेजेस होती हैं ऑरियल स्टेज एनल स्टेज फेलिक स्टेज लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज एंड आपको याद होनी चाहिए कि ऑरल स्टेज कितने से कितने टाइम तक होती है क्वेश्चन ऐसे आता है ठीक है कि लाइक ऑरल स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू एटीन मंथ एनल स्टेजेस एटीन मंथ टू थ्री इयर्स तक होती है फेलिक्स स्टेज थ्री टू सिक्स ईयर तक होती है लेटेंसी स्टेज सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स तक होती है एंड जेनिटल स्टेजेस थर्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स तक होती है सो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसमें जो डॉटर होती है उसका फादर के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होता है एंड जो बॉय होता है जो सन होगा उसका मदर के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ओके okay, सो so इस वीडियो में हमने डिस्कस करे फिफ्टी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ साइड नर्सिंग एंड अभी कुछ पॉइंटर्स और बची हैं जो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगी सो so अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी स्पॉट के लिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड अपनी फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करना सो so कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के साथ सो स्टे कनेक्टेड विद नर्सिंग स्कोप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग